तो गाइज़ फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में मैंने ऑर्डर कर दिया था सैमसंग गैलेक्सी S23 स्मार्टफोन, जो कि अभी हमें अंडर 40,000 देखने को मिल रहा है। ये सैमसंग का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था एक काफ़ी प्रीमियम प्राइसिंग पे, बट अब हमें सेल में ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे मिल रहा है, तो मैंने इसे ग्रैब कर लिया है। और आज की वीडियो में करते हैं हम इसी की अनबॉक्सिंग। हालांकि यहाँ पे अनबॉक्सिंग के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बची हुई, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी बॉय ने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी। ओपन बॉक्स डिलीवरी होने के कारण यहाँ पे सारे चेक्स उसने परफॉर्म कर लिए और फिर मैंने ये फ़ोन एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक मेड इन इंडिया यूनिट हमें देखने को मिलता है। मेरे पास इसका 128 GB वेरियंट जो कि आता है इसी क्रीम कलर में। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें एक लिड देखने को मिलती है और उसी के नीचे हमारा डिवाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है इसी क्रीम कलर वेरियंट में जो कि मैंने ऑर्डर किया था। हालांकि दूसरे भी कलर्स हैं यहाँ पे, लेवेंडर और ग्रीन और ब्लैक, जो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे टॉप बॉक्स साइड में ही हमें एक लिड देखने को मिलती है, जिसमें हमें कुछ सेफ्टी मैनुअल और सिम इजेक्शन टूल भी दी गई है और उसी के साथ में USB टाइप सी टू टाइप सी केबल। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें चार्जर देखने को नहीं मिलता, तो अलग से आपको सैमसंग का 25W टाइप सी चार्जर खरीदना पड़ेगा इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो कुछ यही सारे बॉक्स कंटेंट्स है। वैसे अनबॉक्सिंग तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स में कुछ ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। अब बात करें इसी डिवाइस की, तो इन हैंड फीलिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, स्पेशली यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर होने के कारण वन हैंड यूज़ के लिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बैक ग्लास में हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है इन हैंड फील के मामले में। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलती है। चारों तरफ से यहाँ पे आपको बेजल्स जो है वो यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं, और जो डिस्प्ले क्वालिटी ओवरऑल मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है। यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जो कि इस डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। उसी के साथ में अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा था जनवरी सिक्योरिटी पैच के साथ। तो जैसे ही आपको ये फ़ोन मिल जाता है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट सितंबर का अपडेट मिल जाएगा, तो उसे आप इस फ़ोन को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपको यहाँ पे गैलेक्सी AI देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आपका प्रीवियस फ़ोन बड़े स्क्रीन साइज़ वाला हो, तो मे बी आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है इस फ़ोन को एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है हाथ में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसे यूज़ करने के लिए। वैसे वन हैंड यूज़ के लिए तो ये साइज़ काफ़ी परफेक्ट है, बट फिर मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वो बड़े डिस्प्ले वाला फ़ोन पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो ये फ़ोन डेफिनेटली नहीं है। और यहाँ पे छोटा फॉर्म फैक्टर होने के कारण ही यहाँ पे हमें बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बैटरी कैपेसिटी भी कम है, और यहाँ पे हीटिंग भी हो सकती है। तो हीटिंग के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बात करें अगर कैमरा की, तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे फ़ोनों में इस प्राइस रेंज में हमें टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता, जो कि इस फ़ोन में मिल रहा है। एक 3x टेलीफोटो लेंस है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है जूम के मामले में भी और पोर्ट्रेट इमेजेस के मामले में। तो मैं इस फ़ोन को अब पूरा एक दिन यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइज़, मैंने इस फ़ोन को अब पूरा एक दिन यूज़ कर लिया है, सारे मैंने कस्टमाइजेशन भी इसे कर लिए हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे अभी चार्जिंग इसकी 44%। कल मैंने इसे 100% भी चार्ज किया था, हालांकि मेरा यूजेज अभी तक मिनिमल है और मैंने अभी तक इसमें सिम कार्ड नहीं डाला हुआ, तो इस तरह का कुछ यूजेज में मुझे ये बैटरी लाइफ मिली है। और अगर बात करें केस की, तो मैंने यहाँ पे स्पिजन का लिक्विड एयर केस भी ऑर्डर कर दिया था, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिटिंग दे रहा है, और ओवरऑल क्वालिटी जो है इस केस की बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का केस ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस केस को ज़रूर से बाय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस केस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हो। तो ओवरऑल तो मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है इन हैंड यूज़ के लिए हो, तो मैंने दिन भर इस फ़ोन को यूज़ किया अभी तक, और जो यहाँ पे मैट फिनिशिंग है और जो शाइनी रेल्स है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक इस फ़ोन को दे देते हैं। फ्रंट में भी यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन गार्ड लगा दिया है एक अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आप ज़रूर से कीजिएगा अगर आपके प्रीमियम फ़ोन को आपको अच्छे से बचा कर रखना है, तो एक अच्छी क्वालिटी का केस और स्क्रीन गार्ड ज़रूर से इस फ़ोन को लगा दीजिएगा। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन चल रहा था जनवरी सिक्योरिटी पैच पे, और यहाँ पे लेटेस्ट आपको सितंबर का भी अपडेट मिल जाता है। अपडेट करने के बाद आपको गैलेक्सी AI इस फ़ोन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो गैलेक्सी AI जो है वो अभी लेटेस्ट सैमसंग ने S24 सीरीज़ के साथ में अनाउंस किया था। यहाँ पे हमें AI के बहुत सारे फीचर्स इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। पुराना होने के बाद भी इस फ़ोन में हमें नए जो AI फीचर्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अभी के लिए सिर्फ थोड़े ही AI फीचर्स ऐड किए गए हैं, फ्यूचर में और भी ऐड होने वाले हैं। बैटरी लाइफ की अगर बात करें, तो मैंने यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह सब चीज़ें ऑन कर दी थी। वैसे इनिशियली जब मैं इस फ़ोन को सेटअप कर रहा था, तो बैटरी तो जल्दी ड्रेन हो रही थी, तो मुझे ये एक इशू लगा। वैसे अगर आपको इस फ़ोन को अच्छे से कस्टमाइजेशन करना है, अपने हिसाब से इस फ़ोन को यूज़ करना है, तो मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगा इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। बस आपको जाना है गैलेक्सी स्टोर पे और यहाँ पे सर्च करना है आपको गुड लॉक। तो गुड लॉक की मदद से आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, चाहे वो होम स्क्रीन हो या फिर लॉक स्क्रीन हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी हमें अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं इसी गुड लॉक एप्लीकेशन की मदद से। तो एज ए सैमसंग यूज़र, ये ऐप आपको ज़रूर से इंस्टॉल करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन कर दी है, जिसकी रीसेंट टास्क मेन्यू को यहाँ पे मैंने स्टैक पे चेंज कर दिया है,
और कुछ और चीज़ें मेरे हिसाब से, मेरी लाइकिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो ये बात मुझे सैमसंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि सैमसंग डिवाइसेस में आप बहुत सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, जैसे आपको फ़ोन अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है उस तरह से आप कर सकते हो। बट फिर भी अगर बात करें बाकी की चीज़ों की, तो यहाँ पे हीटिंग जो है वो मैंने ज़रूर से नोटिस की थी जब मैं इस फ़ोन को सेटअप कर रहा था, तो ये जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था एक्चुअली, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए वो जो सेटअप प्रोसेस है उसे रोकना पड़ा था। और अगर बात करें कैमरा यूज़ की, अगर आप बहुत देर तक फोटोज़ खींचते हो, वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, तो ये फ़ोन ज़रूर से हीट कर जाता है। हालांकि ये ओवर हीटिंग तो नहीं कहूँगा, बट ये फ़ोन ज़रूर से आपको गर्म फील हो जाएगा बाकी के फ़ोन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे चिपसेट का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली ये फॉर्म फैक्टर जो है वो छोटा फ़ोन होने के कारण यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर बात करें कैमराज की, तो कैमरा क्वालिटी मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, स्पेशली एंड्रॉयड की साइड में मुझे लगता है कि सैमसंग में वन ऑफ द बेस्ट कैमराज होते हैं। यहाँ पे सैचुरेटेड टाइप की इमेजेस ये खींच लेता है। तो ये रहे कुछ इमेज सैम्पल्स जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर अभी शेयर कर देता हूँ। ये शॉट खींचा गया है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, बाद में है मेन लेंस, फिर है 3x टेलीफोटो लेंस, और फाइनली है 30x जूम। तो 30x जूम इतनी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एटलीस्ट इतना जूम कैपेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। और फिर इसी 3x टेलीफोटो लेंस से हम कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह का पोर्ट्रेट शॉट। यहाँ पे हमें एज डिटेक्शन जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ओवरऑल कैमराज जो है वो हमें इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिशन की कंपैरिजन में। वैसे इस फोन के रिगार्डिंग मेरा एक फुल डिटेल रिव्यू जरूर से मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बट उसके लिए मुझे इस फोन को एटलीस्ट एक हफ्ता तो यूज़ करना ही पड़ेगा। बट अभी के लिए जितना मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट डील्स है ये एंड्रॉइड सेल्स में, स्पेशली अगर आप एक एंड्रॉइड फोन ढूंढ रहे हो और एक कॉम्पैक्ट फोन। अगर आपको बड़े फोन पसंद है तो आपके लिए तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप अपना फोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, मल्टीमीडिया कंजप्शन हो, या फिर बहुत ज़्यादा कैमरा से फोटोज़ क्लिक करना वगैरह हो, तो भी ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव कैमरा यूज़ पे थोड़ी सी हीटिंग तो हो ही जाती है, और मल्टीमीडिया कंजप्शन अगर आप ज़्यादा करते हो, गेमिंग ज़्यादा अगर आप करते हो, तो यहाँ पे बैटरी जो है वो अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये फ़ोन सिर्फ मॉडरेट या फिर लाइट यूजेस के लिए है, और अगर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छी बिल्ड, अच्छा डिज़ाइन, तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हो। 40,000 के अंडर अभी ये बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।